तो यहाँ पर ये a1 a2 an भी तो फिक्स नंबर रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 29 एंड डिफाइंड फंक्शन लाइक दिस, ये फंक्शन दिया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इसका लिमिट कैलकुलेट करना है, आपको पहला एक लिमिट एक्सटेंस टू a1 और लिमिट एक्सटेंस टू a, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है कि ये नंबर सारे क्या है, जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन नहीं है इसमें, हाँ कंडीशन है कि a इज़ नॉट इक्वल टू a1 a2 और an, ठीक है, जो a है a1 a2 इक्वल टू ये an, a जो है इसके बराबर नहीं है। अब बताइए मुझे क्या आंसर आएगा पहले वाले का, लिमिट x टेंस टू a1, अब आप सीधे से x की जगह क्या पुट कर दो a1, तो a1 माइनस a1 दूसरा हो जाएगा a1 माइनस a2 एंड सो ऑन, अब a1 माइनस a1 सीधे जीरो ही हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, जीरो। दूसरा लिमिट x टेंस टू a है, तो a की जगह क्या रख दोगे आप, x की जगह क्या रख दोगे, a, तो पहले वाले में a माइनस a1, दूसरे वाले में a माइनस a2 और तीसरे में a माइनस a3 एंड लास्ट वाला a माइनस an, ये इसका आंसर होगा। और आपने उसने कंडीशन क्या दे रखी है कि जो a आ रहे हैं ना वो कभी भी a1 a2 इनके बराबर नहीं होगा, a a1 के बराबर नहीं होगा, a a2 के बराबर भी नहीं होगा, a a3 के बराबर भी नहीं होगा, और ऐसे करते करते a an के बराबर भी नहीं होगा। अच्छा, ये कंडीशन का मतलब क्या है, अगर ये हो जाता, कोई सा भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता, मान लो a a1 के बराबर हो गया, तो a1 और a1 कितना हो जाता, जीरो, a1 माइनस a1 कितना हो जाता, जीरो, तब इसका आंसर कितना हो जाता, जीरो हो जाता। परंतु अभी उसने बोल रखा है कि ये इक्वल नहीं होंगे, इसीलिए डायरेक्ट आप लिमिट पुट कर दो और यही इसका एक आंसर हो जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 29, इतना सही है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आप कोशिश करो ट्राई करने का। क्या गिवन है, मैं नोट कर लेता हूँ उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्सिस्ट। अब हर बार आपको क्या पूछते थे, यहाँ पर देखते थे आपकी, आपको कभी एक्स टेंस टू 0 दिया, एक्स टेंस टू 5 दिया, ऐसा पूछते थे। अब इस बार क्या है, वो नंबर ही हटा दिया और यहाँ पर एक वेरिएबल लगा दिया है और बोल दिया कि चलो अब एक ही वैल्यू बताओ जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट होगी। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, इसके पहले हम बात कर चुके थे, लिमिट एग्जिस्ट कब होगी, लिमिट एग्जिस्ट कब होती थी, जब दो लेफ्ट और LHL और RHL दोनों क्या होते थे, बराबर होते थे, दोनों क्या होते थे, बराबर होते थे, और फिर तीसरा भी क्या हो जाता था, उनके बराबर देखना पड़ता था, मतलब अल्टीमेटली तीनों चीज़ को क्या देखना था आपको, एक बार, ठीक है। अच्छा, अपन यहाँ पर कुछ केस ले लेते हैं कि केस a इज इक्वल टू जीरो लेके देखते हैं, अपन क्या लेके देखते हैं, a इज इक्वल टू क्या लेके देखते हैं, जीरो, ठीक है। अगर a जीरो है तो आप मुझे बताओ, ये केस वन, लिमिट a, लिमिट जीरो प्लस, मतलब आपका जो लिमिट होगा x टेंस टू जीरो प्लस, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, और लिमिट x टेंस टू जीरो, इन तीनों का आंसर आप बताइए क्या क्या आएगा। हम बात कर चुके हैं इसकी, जीरो वाला केस है, यहाँ जीरो प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर, जीरो माइनस मतलब नेगेटिव नंबर, आ रही बात समझ में, एक्स लेस देन जीरो ऊपर वाला लिखोगे, जीरो प्लस कौन सा फंक्शन आएगा, पहला दूसरा या तीसरा, कौन सा आएगा, अरे जीरो प्लस थर्ड आएगा ना, जीरो प्लस मतलब जीरो, प्लस मतलब जीरो से बड़ा, और जीरो से बड़ा मतलब ये वाला है, ठीक है। अच्छा, इस समय जीरो से बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा,
जैसे आपने कितना रखा है यहाँ पे अभी, अब टेंस टू जीरो है, तो अब पॉजिटिव नंबर जीरो के नज़दीक ही रखोगे आप, तो अल्टीमेटली तो जीरो ही रखोगे, ठीक है। तो जीरो प्लस का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, जीरो प्लस का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, जीरो माइनस वन, मतलब जीरो माइनस वन कितना आ रहा है, माइनस वन। फिर जीरो माइनस का आंसर कितना आ रहा है, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा, मतलब ये फंक्शन होगा एक्स की जगह तो जीरो ही पुट करेंगे, जीरो प्लस वन, तो आंसर कितना आ रहा है, वन। और इसका आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट जीरो। अब ये तो क्लियर हो रहा है कि तीनों क्या है, अनइक्वल है, मतलब यहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्या इतना बात समझ में आ रही नहीं। अब अपन ऐसा नंबर ले लेंगे ना, लेट अस से केस टू, केस टू, केस टू में क्या है, मान लेते हैं ए ऐसा नंबर लिया जो ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। केस टू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। और केस थ्री क्या लेंगे, केस थ्री लेस देन जीरो। चलो अब इसका आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा, अब इसका ए के फॉर्म में आंसर निकलेगा, इसका किसके फॉर्म में आंसर निकलेगा, ए। आप ए की वैल्यू चलो मान लो टू रखा, कितना रखा, टू ले लो, आप मन ही मन सोच लो, पर अपने को आंसर ए के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। ए ग्रेटर देन जीरो के लिए अपने को तीन केस निकालने पड़ेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, और लिमिट एक्स टेंस टू ए। अब बताओ ए प्लस का आंसर क्या आएगा, दिमाग लगा के बताओ, ए प्लस पहला कौन सा फंक्शन चलेगा, तीसरा फंक्शन, ए माइनस वन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, दूसरा क्या आएगा, मन से कुछ भी बोल दो जो दिमाग में है। अरे भैया ए क्या है, जीरो है क्या, ए कितना है मान लो पांच है, सेकंड वाले का भी गलत बता रहे हो बेटा तुम, सेकंड वाले का ही मैं बोल रहा हूँ, पहले पहले का लिख लेते हैं। ए प्लस का मतलब क्या है, थोड़ा सा नंबर बढ़ा, जीरो से बढ़ा मतलब इसी में लाई करेगा, पर ये जीरो नहीं है ए, सबसे पहली बात बता दूं, ए नंबर क्या है, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा वन टू थ्री कुछ एक नंबर है, तो इसी में आएगा फंक्शन, यही लाया होगा, मतलब जो जीरो से बड़े हैं वो वन से भी तो बड़े हैं, ठीक है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन होगा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फंक्शन मॉड एक्स माइनस वन, और यहाँ पर आप सीधे लिमिट पुट कर दोगे एक्स की जगह ए, तो आंसर कितना आया। अब तुम ए माइनस का फंक्शन गलत डिसाइड कर रहे हो बेटा, ये जीरो नहीं है, जीरो से छोटा होता है तो ये फंक्शन होता है। ए कैसा नंबर है, ग्रेटर देन जीरो, ए कैसा नंबर है, मतलब वो नंबर जीरो से क्या है, बड़ा, जीरो से नंबर बड़ा, लेटर से तीन ले लिया, इसके पहले क्वेश्चन करा भी था मैंने आपको, पांच वाला बताया था, जैसे आपने तीन ले लिया, दो ले लिया, कुछ भी ले लिया, तीन से थोड़ा सा छोटा, तीन से थोड़ा सा छोटा, तो क्या वो जीरो से छोटा हो जाएगा क्या, तीन से थोड़ा सा छोटा तो वो जीरो से तो बड़ा ही है ना, तो अल्टीमेटली फंक्शन तो यही आएगा, नहीं आया, इसका मतलब फंक्शन इसमें क्या आएगा, मॉड एक्स माइनस वन ही आएगा इसका, और फिर वैल्यू पुट करोगे तो ए माइनस वन, नहीं आया। और एक्स टेंस टू ए के लिए, मतलब जब इसकी वैल्यू एग्जैक्टली ए होगी, तब फंक्शन कौन सा यूज करोगे, ग्रेटर देन जीरो वाला, यही तो यूज करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से यही फंक्शन होगा मॉड एक्स माइनस वन, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। मतलब यहाँ से मुझे साफ पता चल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये तीनों इक्वल है, समझो, नहीं समझ में आया ना बिल्कुल भी, ये आ गया ना समझ में। अरे थर्ड वाले केस एक्स ग्रेटर देन जीरो, यही तो है नंबर, जैसे एक्स की वैल्यू टू किस में होगी, तो यही तो हो गया एक्स, ठीक है। अब केस टू क्लियर हो गया, मतलब केस टू में तो ये तीनों क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर ए कैन बी एनी पॉजिटिव वैल्यू, 100, 150, 300, 500, 600, 800, 10,000, 50,000, कुछ भी, पर पॉजिटिव है। 0.5, 0.6, इवन 0.7, 0.8 तक भी रख सकते हैं अपन इसको, 0.1 भी रख सकते हैं, पर सब क्या है, जीरो से बड़े नंबर हैं हमारे, और पॉजिटिव नंबर है अल्टीमेटली, तो मतलब सभी के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी।
जीरो के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने जीरो रखा ये तीनों वैल्यू क्या आ गई, अलग है। पहले तो ये दोनों ही अलग आ गई थी, तो अपने को ऐसे तो तीसरे की जरूरत थी नहीं। अगर ये दोनों ही अलग आ गई है तो अपन कहेंगे कि भैया जीरो पे तो ये कार्यक्रम फिट नहीं होगा, मतलब जीरो इसकी वैल्यू कदापि नहीं हो सकती है। हाँ, ए से बड़ी, मतलब ए का वैल्यू जीरो से बड़ा हो सकता है। केस थ्री की बात करें, अब क्या होगा? ए का वैल्यू लेस देन जीरो, नहीं आपको सारे केसेस लेना पड़ेगा ना, ए का सारे केसेस, ए की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है आपको। ए कब कब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ए कब कब एग्जिस्ट करेगा, वो सब निकालना है। ठीक है, आपको पता करना है कि ए कब कब एग्जिस्ट करेगा, वो पता करना है। अब ए लेस देन जीरो, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ बेटा कौन सा फंक्शन यूज होगा, है ना? लेस देन जीरो, जीरो से छोटा। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ए जीरो से छोटे एक नंबर नहीं है, करोड़ों नंबर है। करोड़ों क्या बोलना ही गलत बात है, तो कोई सा भी एक नंबर दिल में लगा के सोचो, चलो ए माइनस दस ले लिया, दिल से सोचो ए कितना ले लिया, माइनस दस ले लिया। चलो, तो अब इसके भी तीन केस बनाए जाएंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस, लिमिट x टेंस टू a प्लस, और लिमिट x टेंस टू a। अच्छा, a माइनस मतलब क्या होगा, इस नंबर से छोटा नंबर, इस नंबर से जस्ट छोटा नंबर। तो जस्ट छोटा नंबर भैया, ये तो छोटा ही नंबर है, तो यही आएगा x प्लस वन ही आएगा, क्या आएगा मतलब फंक्शन तो ये वाला लगेगा, मॉड x प्लस वन वाला है ना, मतलब जस्ट छोटा नंबर। जैसे आपने क्या ले लिया, मान लो a का वैल्यू कितना है, माइनस टेन, तो a माइनस कितना बोलोगे आप, माइनस मतलब a से जस्ट छोटा, a से जस्ट छोटा तो सबसे बड़ा होता है, मतलब नेगेटिव में, तो आप कितना करोगे, मतलब हालांकि अपन लेफ्ट से अप्रोच करते हैं ना, जैसे ये माइनस दस है, ये कितना है माइनस दस, तो इधर कितना आएगा, माइनस टेन पॉइंट फाइव कुछ ऐसा आएगा ना। तो a माइनस को अपन क्या बोलेंगे, माइनस टेन पॉइंट जीरो जीरो वन बोलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर लेने का अधिकार नहीं है हमें। और a प्लस का आंसर क्या होगा, माइनस नाइन पॉइंट नाइन 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 बोल दूं क्या मैं, ऐसा कुछ। मतलब दोनों ही केस में नंबर तो नेगेटिव है, दोनों ही केस में नंबर, तीनों नंबर जीरो से छोटे हैं, जीरो से छोटे मतलब अल्टीमेटली पहला फंक्शन लागू होगा तीनों ही केस में, समझे नहीं समझे? ठीक है, तो a लेस देन 10 में भी जीरो से छोटा यही लागू होगा, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या अब लगेगा, मॉड x प्लस वन, मॉड x प्लस वन। अब x की जगह आप पुट कर लो क्या, a a प्लस वन, a प्लस वन और a प्लस वन, इज इट क्लियर? मतलब इसमें भी तीनों लिमिट क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फाइनल रिजल्ट, तीनों क्या आ रहा है, बराबर है। मतलब यहाँ पर एक चीज है कि a जीरो मत रखो, जीरो के अलावा मन में जो वैल्यू आई सब रख दो, सब पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, इस केस के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर जीरो, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू, ए का पूछा है एक्स ने, ए डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए इज इक्वल टू जीरो, ए जीरो रख दिया आपने तो आपको लिमिट एग्जिस्ट नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप दो तीन चार माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच माइनस सौ कुछ भी रखो, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और गड़बड़ ये नहीं करना भाई, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये फंक्शन कब लागू हो रहा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो पे, ये तो जीरो इसका क्या है, टर्निंग पॉइंट है, जीरो क्या है, हाँ तो जीरो पे चेक कर रहे हैं तो फिर वो प्लस माइनस वाली चीज है। पर अगर 10 पे देख रहे हो तो 10 पे आपका x 10 मतलब क्या होता है, जीरो से बड़ा, तो यही फंक्शन चलेगा, 10 प्लस 10 माइनस 10 सब पे यही यूज होगा। ठीक है, 10 प्लस पे भी यही फंक्शन होगा, 10 माइनस पे भी यही फंक्शन होगा और 10 पे भी यही फंक्शन होगा। चलो, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31। क्वेश्चन नंबर 31, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 31 नोट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई लिमिट
लिमिट x टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू पाए फाइंड लिमिट x टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स। अब इसमें क्या करना है, लिमिट एफ ऑफ एक्स निकालना है आपको, कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है ये। किसका क्वेश्चन है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन। अच्छा, लिमिट क्रॉस मल्टीप्लाई तो करोगे आप, पर लिमिट इसकी इकलौती की नहीं है, वो नीचे वाले की भी है, लिमिट ऊपर वाले की भी है और नीचे। ये तो एक सेकंड का क्वेश्चन है, पहले तो लिमिट के बंटवारे कर दूँ। लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू और अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू पाए, ये क्लियर। अब एफ ऑफ एक्स निकालना था आपको, पहले तो इसको इधर भेज दो, ऐसा वन पुट कर दोगे तो एक यहाँ जीरो कर दोगे, यहाँ पुट मत करो, उधर दे जाके करो। तो लिमिट x टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू पाए टाइम्स ऑफ लिमिट x टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्लियर है। वन पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सीधे जीरो इंटू पाए जीरो, और ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू, माइनस टू उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस टू, लिमिट x टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, ठीक है। आंसर आपको क्या पूछा था, लिमिट x टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स तो ला तो दिया हमने इज इक्वल टू टू, ठीक है। उसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते नहीं आता क्या तुमको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया बस, और एफ ऑफ एक्स लिमिट ये निकालना था, ये लिमिट इसके साथ चिपका रह गया और माइनस टू उधर बेच के टू कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 करना है। 32 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एन एक्स प्लस एन, एक मिनट एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स लेस देन जीरो, जीरो एक्स लेस देन वन और एक्स ग्रेटर देन वन।